कलेशियों के उन्नति होता है, जो भैंसवानी करता है ना वो कलेशियों के उन्नति होता है। तो पिता के धन्यवाद हो कि हम तो वचन में आ जाते हैं और हम अपने चाह और बोलते हैं घर परिवार के पिता हमें अच्छा रहे कि हम लोग जितने परिवार है वैसे नहीं। पिता यीशु मसीह जी के नाम से आज हम वचन में जा रहे हैं, क्योंकि पहले डरते थे यीशु मसीह जी के नाम लेंगे तो बोलता है कि क्रिश्चियन है, क्योंकि उनके नाम से उधार हो रहे हैं और उनका नाम नहीं लेंगे तो हम उधार तो नहीं होंगे। तो वहाँ बोला गया कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें डरना क्यों है, तो हमें अंदर तो कुछ दुष्ट आत्मा और कुछ पवित्र आत्मा, तो ये मैं लौकिक शिक्षा हो गया। खरा कहाँ हुआ, जब हम काम कर रहे हैं ना तो हमें खरा उतरना है। अगर हमें आधा कुछ आज हमारे ईश्वर दे रहा है और कुछ हम भाई के दे रहे हैं कुछ अपने रख रहे हैं तो हमारा से तो दुष्ट आत्मा चो रहे हैं, क्योंकि हम किसी और का सहारा ले रहे हैं। तो इस पिताजी ने कहा अपने आप सहारा लो और अपने सहारा पे खड़ा रहो, क्योंकि बुलाए हुए बहुत सारा और चुने हुए थोड़ा सा। तो अगर हम ऐसे ईश्वर के वचन में बना रहेंगे तो हमें सबका देगा, ये नहीं कि मेरा भाई का देगा मेरा नहीं। तो अपने सीमित तैयार रहेगा तो हम सबका किसी का ना, क्योंकि ईश्वर ने कहा, पिता ने कहा ना कि सारा चिंता मुझको दे और तुम्हारे सारे पाप से छुड़ा लिए। तो अब से ये करना है घर से जो भी आएगा, धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी शरण में जा रहे हैं यीशु मसीह जी के नाम से। हमें तो बुलाए पिता हमारे सारे परिवार को उधार करिए, जो भी कष्ट में है दर्द में पीड़ा में परेशानी में गरीबी में है परेशानी में है सबके पिता आप बुलाइए, क्योंकि मुंह से अंगीकार किए कि हमारे परिवार सब उधार हो यीशु मसीह जी के नाम से। क्यों बोला कि यीशु मसीह जी के नाम से चंगाई आया, क्योंकि मनुष्य कोई तो चंगाई नहीं करते हैं, जब भी चंगाई देते हैं तो पूरा ऐसे बोला जाता है, क्योंकि इन्हें होता था लता पता कटा पता तो खाली लता पता कटा पता नाश कराना था, तो हम शैतान के नाश करते थे मतलब। तो ईश्वर का धन्यवाद हो कि अन्य भाषा भी अलग अलग, जब आप बैठिएगा कि कैसे अन्य भाषा करे पिताजी आप बताइए तो पिता आपको बताएगा, एक ही लाइन बताएगा दो लाइन बताएगा अपने आप अन्य भाषा होगा, जैसे कि अन्य भाषा होता है तो कभी रुकता है नहीं। और पिता के धन्यवाद हो कि अगुआ से जुड़ना बहुत जरूरी है, कड़ी बाई खड़ी, ये नहीं कि मतलब बात ऐसे मतलब यहाँ से कहीं जुड़ा कहीं और चल गया कहीं खेती और करवा लिया सीख लिया चार कर लिया, तो आपने अगुआ की अनादर नहीं की पिताजी के अनादर की, क्योंकि आपको पिताजी देखा अगुआ नहीं देखा, क्योंकि अगुआ ईश्वर का रूप होता है, पिताजी उन्हें आशीष दिया उन्हें रास्ता दिया तो हमें रास्ता सीधा बताएंगे, कि उनके लिए नहीं दिया हम सबके लिए दिया। अगर इसमें वचन में आते हैं अगर एक जन बढ़ता पिताजी सब आशीर्वाद उनका देता तो हम लोग इतना सारा नहीं बैठते, क्योंकि खुला खुली शिक्षा दिल्ली में मिलते हैं। और पिता के धन्यवाद हो कि लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि इस बार ने वहाँ दिल्ली में शिक्षा मिला कि चार चीज, क्योंकि बुरा नहीं सुनना बुरा नहीं बोलना बुरा नहीं देखना बुरा नहीं सोचना, क्योंकि आप बुरा सोचिएगा ना तो आपका पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों मिल के काम करें, क्योंकि लगेगा करें या ना करें तो आपका तो काम बर्बाद हो गया, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा रहा तो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे कि बुरा कोई करा उसका बुरा देख रहे हैं तो आपका बुरा ही सोचाएगा अच्छा सोचाएगा, अगर कोई बुरा करा हम अच्छा देख रहे हैं तो हमारा अच्छा ही आएगा और अच्छा ही होगा मतलब अच्छा दिखेगा। तो हम तो विश्वास करके भी अंधविश्वास होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता ने कहा है ना, पिता ने तो पहले हमें बुलाया जो हम पहले बोझ से दबे हुए थे, क्यों कहा कि हे बोझ से दबे हुए सब परिश्रम करने वाला मेरे पास आओ तो तुम मेरे बोझ हल्का है और सहज। तो हमें वचन में आया ना तो सुख शांति जीवन पानी मिला, और ईश्वर कैसे बोला है एकाएक ही बुलाया, सब हम लोग एक बार नहीं आए वचन में, क्योंकि दो आँख पहले था दो कान भी पहले था। तो पिता के धन्यवाद हो कि अच्छा बुरा हम सब सुनते थे आप ज्ञान थे,
तो हम हर रास्ता पे चलते थे, आज तो मेरा सीधा रास्ता मिला है और उसमें से हम अपने रास्ता के बिगाड़ देते, खुद हम बिगाड़ते, कैसे कि कोई बोलता है उसका सुन के, तो हमारा आधा मन रहता है ईश्वर पे और आधा जो दुष्ट बात बोलते उस पे रहते, तो हम